श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध 42वां अध्याय कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। अथ ब्रजन राजपथे न माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन् रसप्रदः। का त्वं वरुर्वेतदुहानुलेपनम् कस्यांगने वा कथय स्वसाधुनः। देह्या वयोरंगविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद् भविष्यति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उनसे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंग राग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सैरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए तीन जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके दो अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए।
प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि आइए घर चलें, अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान फूलों के हार चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। उनके वस्त्र जुड़े और कंगन ढीले वस्त्र और जुड़े कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर दिए जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी और दिशाएं भर गईं। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है, ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों को तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं देख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद नहीं आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंग भूमि को भली भांति सजाया। तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधन वानों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों, छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था।
वह पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आ आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। हरि शरणम श्री कृष्णार्पणमस्तु।